गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग एंड इन दिस फाइन मॉर्निंग आई हैव अ फाइन चिल्ड्रन फैंटास्टिक चिल्ड्रन एंड इन फ्रंट ऑफ द फैंटास्टिक चिल्ड्रन ऑर्डिनरी मैन इज हियर टू डिस्कस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग वी आर हियर आई रिक्वेस्ट माई extraordinary child that is Sneha to start reading that screen par aapke dikhai de raha hai world trade organization we are going to discuss this lesson with reference to the previous discussions which was taking place and dear friends those who are new for them I would like to tell them that we are discussing the lesson LPG New Economic Policy 1991 से शुरुआत होती है और हम इसमें बहुत सारे structural changes को देखते हैं liberalization privatization and globalization are part of the structural changes other than stabilization changes which talks about the payment balance of payment inflationary conditions in the economy and various measures taken to root out those problems Today we are exclusively going to follow World Trade Organizations and their consequences and further beyond these topics. Okay, so let us start. Sneha, we'll discuss this. Initiate this discussion. WTO World Trade Organization was started in 1995 to replace General Agreement on Trade and Tariff GATT. Yeah. Second okay. is. So here one question. 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है और ये इसके पहले जो वर्ल्ड ट्रेड को देखने वाला ऑर्गेनाइजेशन था उसको हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं. अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है ये ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन है एट लिख देगा फॉर लिख देगा ठीक है. अब इसको आपको याद रखना है कि यहाँ ऑन है इसलिए ऑन के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे. तो जनरल एग्रीमेंट ऑन आपके हाथ में हमेशा क्लास में बैठते हैं तो क्लास नोट्स लिखने की आदत डालिए और उसको पोस्ट कीजिए. कुछ दिन बच्चों ने पोस्ट किया फिर बाद में बंद हो गया. ये आलस से आपको आपके बल्कि बहुत हानिकारक है बेटा. क्लासरूम होता तो चलो भाई आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने का मेरे पास जो टेक्निक है उसका यूज करता आपसे काम करवा लेता. ऑनलाइन में आपको ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो जाएं. हम तो अपना एफर्ट कर रहे हैं दो दो दिन एक ही दिन की क्लास मुझे मिलती है एक क्लास मिलती है मैं दो दो क्लास लेता हूं. मैं अपने ही अपने आप मुझे जो सरकार ने कहा उससे अलग में चल रहा हूं. इसमें पेरेंट्स से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा और बच्चों को आपको इंस्ट्रक्ट करता हूं आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो समझ लो. चलिए सेकंड पॉइंट. इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है क्योंकि ये तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. वर्ल्ड लिख दिया वैसे भी समझ में आ जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो कभी कभी हमको पॉइंट नहीं भी होता है तो आपको WTO के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो इतना तो फुल फॉर्म अगर मालूम है तो आप लिख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है. ये वर्ल्ड के ट्रेड के बारे में होता है. जब ट्रेड के बारे में जब वर्ल्ड के बारे में सोचेगा तो क्या करेगा उसका जो डिस्प्यूट होगा उसको कम करने का प्रयास करेगा. वर्ल्ड के बारे में होगा तो क्या करेगा जो भी स्मूथ ट्रेडिंग हो तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करने की बात करेगा. ठीक है वर्ल्ड के बारे में होगा तो क्या होगा कि जो रीजनल लेवल पर जो एग्रीमेंट्स बनते हैं जो लोकल लेवल पर एग्रीमेंट्स बनते हैं जो डिस्प्यूट को क्रिएट करते हैं वो उन सब चीज़ों से ओवरकम करेगा. तो ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा. WTO discourages bilateral trade agreements and supports multilateral trade agreements. ठीक है तो इस तरीके से अब नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है कोटा का रिस्ट्रिक्शन लगाना इम्बार्गो लगाना रोक लगा देना ठीक है या और भी दूसरे जो मेजर्स हैं ठीक है कुछ सैंक्शन लगा देना कि आपको इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते आपका लिमिटेड ट्रेड करने के लिए करना जैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाया नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाया कि जो टेररिस्ट गतिविधि में जो लोग शामिल हैं अभी पाकिस्तान को भी टेररिस्ट कंट्रीज के रूप में जो कि बहुत डिजर्विंग है पाकिस्तान कि उसको जिस तरीके से वो वर्ल्ड टेररिज्म का हब है पाकिस्तान ठीक है तो उस तरह के कंट्रीज के ऊपर एम्बार्गो लगना चाहिए सैंक्शन लगना चाहिए
ताकि उनको एक लेसन मिले, ठीक है। अब ये कितने कितना सफल हो पाता है ये इम्बार्गो या सैंक्शन या रुकावट जिसको कह लो, कि वो डिपेंड करता है कि बाकी देशों के साथ उसके संबंध कैसे और बाकी देश इस यूएन के सैंक्शन को या बड़े कंट्रीज के सैंक्शन है इसको किस रूप में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है कि वर्ल्ड के ट्रेड को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना अपने इन्वेस्टमेंट मेजर्स के द्वारा डिस्प्यूट्स को दूर करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। As on 14 July 2016, there are 164 members in WTO. First is all members countries get most favored nation status. This will help us to increase our trade with other countries. Second is WTO promotes multilateral trade agreements. It enables us to trade with several countries without any restrictions. Third is removal of trade barriers allow our goods to enter into the markets of other countries. Fourth is WTO also aims at increase in production capacity and protection of environment. It benefits India. ठीक है, अब देखो पहले जैसे ही हमने कहा 14 जुलाई को मुझे फ्रांस की राज्य क्रांति याद आ गई, 2016 कहा तो मुझे क्या याद आ गया, डिमोनेटाइजेशन याद आ गया, ठीक है। 2015 अगर होता तो एक साल पहले, देखो जो सरकार है अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, इसे तीन लगातार हर स्टेप्स उठाए, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए, लेकिन जो 2000 आर्थिक हम इकोनॉमिक स्टेप्स की बात करें तो 2015 में उन्होंने एक नीति आयोग बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन की जगह, और 2016 में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का काम किया, 2017 में उन्होंने GST लाए, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर अब वो पॉलिटिकल एक हो गया तो उसको ये क्या करते, हालांकि राजनीति भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, इकोनॉमी को प्रभावित करती है और इकोनॉमी भी राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीति भी सोशल इश्यूज को प्रभावित करती है, राजनीति भी रिलीजियस इशू को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल आर्थिक की बात कर रहे हैं तो हम आर्थिक पर ही कंसंट्रेट करेंगे। 2015 में हमारा नीति आयोग, 2016 में हमारा डिमोनेटाइजेशन, 2017 में GST, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें जितने भी कंट्रीज थे इसमें ये कहा गया कि जितने भी WTO के कंट्रीज हैं सब हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हम कुछ खास लोगों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे, हम सबके लिए हमारे लिए, मतलब इसमें कहने का मतलब ये था कि हम होमोजिनस ट्रीटमेंट होगा सबके साथ, बराबर का व्यवहार होगा, सबका साथ सबका विकास का की जो अवधारणा है सरकार की वही अवधारणा WTO लेकर चल रहा था, ठीक है। तो इसमें मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की गई, बाईलेटरल को इसमें बहुत स्थान नहीं था, इसमें सबके लिए एक समान प्लेग्राउंड हो, ठीक है। इसमें ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए वकालत की गई, जैसे हमें टैरिफ है नॉन टैरिफ जो ट्रेड बैरियर्स हैं, हमने एग्जांपल दिया टैरिफ बढ़ा दिया विदेशी वस्तुओं के लिए तो वहाँ की वस्तुएँ कम आएंगी भारत, ठीक है, और ये आएंगी भी तो महंगी हो जाएंगी जैसा कि अंग्रेजों ने किया था। हालांकि कुछ एट ए सर्टेन स्टेज द कंट्रीज आर फ्री टू इम्पोज द ट्रेड बैरियर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सिक्योरिटी कंसर्न हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बहुत ही खराब हो, ऐसी स्थिति में ये ट्रेड बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। जैसे भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर चाइना के ऊपर बैरियर लगाया, ठीक है, वो जैसे डोकलाम में हुआ या वहाँ पर हुआ लद्दाख के बॉर्डर पर हुआ, ठीक है। तो ऐसी इन सब स्थितियों में WTO एक स्पेस देता है कंट्रीज के लिए कि यस यू कैन डू दैट सर्टेन स्टेप, और भारत हैज एंजॉयड दैट एक्चुअली, बहुत सारे डोमेस्टिक एप्स लॉन्च हुए, जैसे ट्विटर का जवाब देने के लिए हमारे पास अपना देश का कू जो लॉन्च किया गया, उस पर मैं भी हूँ, कू पर मैं कभी कभी लिखता हूँ और आजकल नहीं यूज कर रहा हूँ, हाँ इस मोबाइल में स्पेस ही नहीं बचता, हाँ टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे स्टार्टअप को इससे फ़ायदा मिला, ठीक है, बहुत सारे जो ITs के बच्चे थे, बीटेक कर रहे थे कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से या कुछ इस तरह, उन्होंने अपने अपने ऐप बनाए जैसे अटेंडेंस लेने के लिए, टीचिंग के लिए। अब हम लोग क्या है कि बड़े बड़े लेवल पर ये हम लोग गूगल वगैरह को यूज़ कर रहे हैं या दूसरे
यूज कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे लेवल पर बहुत सारे ऐप्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि भारतीयों के दिमाग में एक ये मतलब क्या कहें, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी है ना, कि विदेश की चीज़ें हैं तो अच्छी होंगी, उसको बनाने वाला भले ही भारतीय हो लेकिन विदेश का लेवल लगना चाहिए। जैसे हमारा योग जब फॉरेन से आया योगा बन के तब हम उसकी वैल्यू करने लगे, नहीं तो हमारे हजारों साल की परंपरा ऋषियों की परंपरा उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है भारतीयों के दिमाग में, तो इस चीज़ से ओवरकम करने की जरूरत है। तो WTO ऑल्सो एम्स एट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सब सारी चीज़ें चाहे वो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी ही बढ़ेगी उस देश में जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज विल बिकम वेरी इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस विल ऑल्सो वर्क ऑन दैट। और इन्वायरमेंट, आज इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज डेंजर में है, जैसे जापान है या अपना अंडमान निकोबार का जो एरिया है वो भी डेंजर में है, बहुत सारे आइलैंड डूब गए, इंदिरा पॉइंट हमारा डूब गया जो कि लास्ट पॉइंट होता था समुद्र में साउथ में। तो इस तरीके से हमको WTO बहुत सारे अप्रोचों को लेके चल रहा है, बहुत सारे एजेंसियों के साथ इन लोगों के टाइप हैं जिससे इस काम को आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ PSUs है ना, पढ़ो बेटा महारत्न। Partner companies such as NTPC, IOCL, etc. Taking this Navratna companies such as BPCL, बेटा सब लोग मत पढ़िए, एक बार में एक ही बच्चा पढ़े, दो दो आवाज आ रही है बेटा, ऐसा ना करो। हाँ फिर से बोलो बेटा। Categories of PSU, Mahatma companies such as NTPC, IOCL, etc. Navratna companies such as BPCL, HPGCL, etc. Third is Mini Ratna companies such as AAI, PSNL, etc. Okay. तो देखो महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज और मिनी रत्न कंपनीज, ये भारत की पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं जो प्रॉफिट मेकिंग हैं, जो लॉस में नहीं है, ठीक है, जिनका अपना अपनी कैपेबिलिटीज़ है, तो उनको हम महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिपेंड अपॉन उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये इनके टर्नओवर पर है, वार्षिक जो उनका लाभांश है, लाभ कितना हो रहा है उसके ऊपर इन सबों की कैटेगरीज को बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे NTPC है, नेशनल सोलर पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये महारत्न कंपनीज हैं। इसी तरह नवरत्न कंपनीज, अब ये जैसा कि मैंने बताया कि सब इनके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जितना ही ये सारी कंपनियां जो है ना, इनकी लिस्टिंग जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है, सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1980 में हुई, तो ये जो है इनकी जो रेटिंग होती है, इनकी जो ओपनिंग होगी शेयर मार्केट में जब लिस्टिंग होगी, तो उसका शेयर का वैल्यूज मिनिमम शेयर का वैल्यू जो है बाकी सब कंपनियों से अधिक होगा, महारत्न का और ज़्यादा होगा। तो ये इस मतलब इनको कई जगह गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलती है, इनको कुछ गवर्नमेंट के रिबेट मिलते हैं कि आप एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, इनका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करने लगता है। तो इस तरीके से कुल मिला के इनको ये इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इनका जो इनोवेशन है, इनको थोड़ा सा फ्रीडम ज़्यादा मिलता है, समझ लो, ताकि ये मार्केट के अन्य कंपनियों के साथ कंपटीशन में बनी रहे, ठीक है, इसलिए ये सर्वाइव भी कर रहे हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके, इनकी सैलरी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को क्लासिफाई किया गया है। दे आर बेसिकली द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, नॉट द सिक कंपनी जिसका गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। हालांकि इन कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है और उनके मैनेजमेंट को और इफिशियंट बनाने के लिए ये किया जा रहा है। अब उसमें अगर करप्शन नहीं है तो अच्छा है, अगर करप्शन हो जाता है तो बेकार हो जाता है। चलिए आगे पढ़े बेटा, शुभांकिता पढ़ो बेटा। यस सर। Adverse effects of new economic policy on agriculture. First,
agriculture growth rate decreased in India during the reforms period. Second, public investment in infrastructure development such as irrigation, power, roads, etc. decreased. Third point, removal of fertilizer subsidy affected the small and marginal farmer. Their cost of production increased. ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिक्रीज। अरे सर आप तो कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर इंडिया, ये तो डिक्रीज हो गया, ये कैसे हुआ? ओ तो मैंने तो ये भी तो बोला था बच्चों कि जो प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। एग्रीकल्चर में उनको प्रॉफिट नजर नहीं आया, उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया, तो एग्रीकल्चर का जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए था, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और कारण क्या था? इंडिया का एग्रीकल्चर मिसमैनेज था, 70 सालों में लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया एग्रीकल्चर के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था। केवल क्या करते थे? शॉर्ट टर्म राज करने के लिए कुछ रिबेट घोषणा कर दिया, रेवर घोषणा कर दिया, किसान बिजली का उपभोग करे और बिजली माफ। अब क्या होगा? किसानों की आदत पड़ेगी, पानी का जो खर्चा है वो पानी का खर्चा माफ, पानी की फैसिलिटीज डेवलप नहीं कर रहे हैं, पानी का खर्चा जो भी है उसको माफ कर दिया, कुछ को बहुत फायदा हो गया, वो खुश हो गए, वोट दे दिया, फिर सरकार चुन गई, यही चलता आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब चीजों को ये टेंडेंसी देश में डेवलप करने की जरूरत है, जिसको मैं अच्छा मानता हूँ, कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगी। और मैं मानता हूँ कि देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जो फ्री कल्चर प्रमोट करता है वो देशद्रोही एक प्रकार से, बिल्कुल फ्री कल्चर नहीं होना चाहिए। कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री देने की बात मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप फ्री किसको दो ये टारगेट होना चाहिए। हैंडीकैप, ठीक है, हैंडीकैप्ड है जो महिलाएं अक्षम है, जिसको काम नहीं कर सकती हैं, या ओल्ड एज हैं, ठीक है, ऑर्फन बच्चे हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजन करो, या ऐसी संस्थाएं जो उनके लिए वास्तव में काम कर रही हैं, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करो भाई, कोई मना नहीं है, उनको फ्री दो ना। अब मुझे फ्री क्यों दे रहे हो बिजली दिल्ली में? हाँ मुझे बिजली क्यों चाहिए फ्री बताओ जरा? मैं 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स भरने वाला, 400 रुपए तुम बिजली करके मेरे मेरे साइकोलॉजी को खरीदना चाहते हो? हाँ मेरे तुम इंडिविजुअलिटी को खरीद सकते हो कोई? 400 रुपए दे रहे हो तुम? तो ये कौन सा टेक्निक है मुझे समझ में नहीं आता। करोड़पति है आदमी, मर्सिडीज बेंज से चल रहा है, उसको 400 रुपए की बिजली फ्री क्यों चाहिए भाई? एंड ही हैज टू अवेल बिकॉज वो मिल रही है सरकार से, वो पे नहीं करना, क्यों चाहिए? देखो ये किलिंग है, ये बहुत बड़ा एक प्रकार का अपराध है, लोगों के अंदर की जो डिग्निटी है ना उसको मारने का प्रयास है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे इंडिविजुअल डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी और जानवर में ही अंतर है, जानवर के कुत्ते को एक रोटी फेंक दो ना तो वो कुत्ता जो मिलाता है आपके पास चला आएगा। तो मैन इज नॉट लाइक दैट कि हमको 400 रुपए में हमको कोई खरीद ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझने का प्रयास करना मेरी बात को। एक राज देखो, एक मैं एक छोटी सी कहानी बोलूंगा आपको। स्वामी विवेकानंद जापान की यात्रा पर थे और जापान में वो ट्रेन में बाहर कुछ निकालते थे, मॉरल वैल्यूज भी जरूरी होता है, राष्ट्र का निर्माण ऐसे नहीं होता। तो वो उन्होंने कमेंट पास किया कि जापान की ट्रेनों में फ्रूट्स भी नहीं मिलते। और यहाँ तो 3 स्टेशन के बाद 11 साल का एक लड़का टोकरी में फल लाया और स्वामी जी को बोला, विवेकानंद को, कि स्वामी जी ये फल लीजिए और आज के बाद ये कृपया करके मत कहिएगा कि जापान की ट्रेनों में फ्रूट्स नहीं मिलते। तो दिस इज अ नेशनल प्राइड। आज हमारे देश में लोग अपने ही देश को कुछ भी बोल जाते, तो देश कहाँ जाएगा, कंट्री कहाँ जाएगी बताइए? तो ये प्राइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर री इन्फोर्स करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, जैसे देश के नेता प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सेल्फ प्रॉफिट के लिए। मेरे भाई सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हमारा 1991 में हमने शुरू किया क्या अपना इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू किया, लेकिन 1991 आफ्टर ओपनिंग आवर इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वी कुड नॉट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। रीजन इज दैट वी डिड नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे
जितने भी हमको पावर सेक्टर में होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट, रोड्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, इरिगेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो फॉरेन से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर रोड भी बनाएगा, फैक्ट्री भी लगाएगा, सब मतलब हम उनके दामाद हैं क्या? दामाद ट्रीटमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो भारत में क्या होता है, दामाद की बड़ी इज्जत होती है, दामाद जी आते हैं ना तो ससुराल वाले, दामाद जी यहाँ बैठी, दामाद जी वहाँ बैठी, दामाद जी, या तो ऐसा थोड़ी है कि भारत उनके लिए दामाद की तरह था। तो यू हैव टू डेवलप समथिंग। तो आपने जो नहीं किया, अब देखो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रेटर पढ़ा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी को रोड रेवोल्यूशन इन इंडिया का जनक माना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को। नितिन गडकरी जो अभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्पेशली द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जाकर कोई बच्चा हमारा नॉर्थ ईस्ट का, लद्दाख का कोई बच्चा हो, हाँ अगर कोई हमारा बच्चा वहाँ का उत्तराखंड का हो, वो बताएगा मुझे, आपको बताएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने उन एरियाज में जो नेग्लेक्टेड थे अब तक उनको कवर किया है। जो हमारा बच्चा नॉर्थ ईस्ट का, हमारा बच्चा अगर इसमें है कोई, तो वो बताएगा मुझे, वो आपको बताएगा, हमें बताएगा कि किस तरह वास्तव में वहां पर रोड नेटवर्क और ये सब सारी चीजें जोड़ी गई हैं। अभी एक ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे से टनल बनाया जा रहा है, आप सोच लो, ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे से वो टनल बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब चाइना जैसे कंट्रीज का आक्रमण हो, तो उस समय बांग्लादेश से मान लो रिलेशन खराब हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि अंदर ही अंदर हमारी सेना पहुंच जाएगी बॉर्डर पर। तो ये होता है अप्रोच, जबरदस्त अप्रोच, ठीक है? तो आपको ये बहुत काम करने की जरूरत है, देश को अगर खड़ा करना है वास्तव में। आप नहीं तो हमेशा डरे रहोगे, अगर आपने काम नहीं किया ना देश के लिए, तो आप हमेशा डरे रहोगे, आप भीख मांगते रहोगे, देश की तरफ बन जाओगे। आज जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हालत है ना, तो उसी तरह हो जाएगी आपकी हालत, क्योंकि आपके सामने कंट्रीज हैं जो आपको चैलेंज देने के लिए खड़े हैं। तो रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिन फार्म। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी हटाने से स्मॉल जो फार्मर्स थे उनको नुकसान हुआ। अब देखो सब्सिडी एक बहुत बड़ा विषय है, सब्सिडी पर मैंने एक क्लास दिया था कि सब्सिडी हो या नहीं हो, तो सब्सिडी इज गुड और सब्सिडी इज बैड। जैसे मैंने अभी पावर सेक्टर के बारे में बोला कि बिजली फ्री चाहिए, तो हमको क्यों चाहिए फ्री? इस तरह सब्सिडी क्यों चाहिए फ्री रिच फार्मर्स को, जिनके जिनके बच्चे कनाडा और अमेरिका पढ़ते हैं, उनके रहते हैं, उनकी फैमिली को क्यों चाहिए सब्सिडी भाई? उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा क्यों मिलना चाहिए? मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ ऐसे फार्मर्स को देने को, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। देयर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो गमले में गोभी की खेती कर वो करोड़पति अरबपति हो गए हैं, उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल किया इस बात को। तो आप इस बात को समझिए कि हमको टारगेटेड सब्सिडी देने की जरूरत है। हाँ, पंजाब का वो किसान जो गरीब है, जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है, उसको सब्सिडी दो, आई आई एम डोंट सपोर्टर ऑफ इट। हरियाणा का जो किसान है, 2 एकड़ की जमीन है, उसको दो, 4.5 एकड़ की जमीन दो, एक क्राइटेरिया बना लो कि 10 एकड़ 8 एकड़ जो भी बनाते हो तुम, ठीक है? लेकिन आप सारा पैसा एक तरफ दे दोगे, और वो किसान जो बिहार के किसी कोने में है, पड़ा हुआ बेचारा सड़ रहा है, हाँ वो माइग्रेट कर रहा है, यही किसान मजदूर जो बन जाते हैं और वो पंजाब या हरियाणा या दूसरे स्टेट्स में जाकर मजदूर की तरह करते हैं, और उनको वहां पैसा मिलता है, खुश होते हैं। तो ये माइग्रेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं होता भी है, इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। जहाँ कहीं भी आप कहीं भी जाओगे, आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, कहीं दूसरे कंट्री में जाओगे, आपको वो प्रिविलेज तो नहीं मिलेगी ना। आज अफगानिस्तान से लोग भाग के जो आ रहे हैं, क्यों भाग के आ रहे हैं? अपना देश तो अपना ही देश होता है, अपना देश तो अपना ही देश होता है, ठीक है? तो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब सब्सिडी हटाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। चलिए पढ़िए बेटा, शुभांकिता पढ़ बेटा। Reduction in import duty and the removal of import quota resulted in the arrival of foreign agricultural goods to our markets. Demand for our goods decreased. ठीक है, जब बाहर से जब इंपोर्ट कोटा वगैरह हटाया गया, तो क्या होगा कि चीजें फ्री होकर इंडिया में आने लगेंगी। और देखो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज, पहले जब हम लोग विदेशों से, जब हमारे पास एक छोटी सी पैनासोनिक, नेशनल पैनासोनिक का एक रेडियो आया, एक टेप रिकॉर्डर आया, तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे एक भैया जो है मर्चेंट नेवी भी थे, वहां से लेकर आ गए जापान का। तो उस समय मैं कब की बात बोल रहा बता रहा हूँ, आज से 30 35 40 साल पहले की बात, 40 साल लगभग पहले की बात।
फाइन, तो तब की बात है, मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि मैं पहली या दूसरी तीसरी क्लास में रहूंगा, तब की घटना बता रहा हूँ। तो उस जमाने में ये चीजें थी नहीं, तो वहां से जो चीजें आने लगी, तो डोमेस्टिक जब आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा तो निश्चित रूप से कंज्यूमर जो है वो जो इन्फीरियर क्वालिटी को नहीं लेगा, ठीक है। और दूसरी बात, भारत जो गुलाम था उनके अंदर फॉरनर्स के प्रति एक आकर्षण था, आज भी हम देखते हैं उस माइंड सेट को। नेक्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने से बहुत सारे फार्मर्स जो वल्नरेबल हो गए, बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो मार्जिलाइज क्लास फार्मर्स हैं, तो अपने गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बिल्कुल नहीं हटाना है, इसको टारगेटेड रखना है ताकि जो हमारे जो मार्जिलाइज फार्मर्स हैं उनको नुकसान नहीं हो, उनका इंटरेस्ट। अभी एक काम शुरू हुआ है गवर्नमेंट ने, जितने भी ड्रोन से मैपिंग हो रही है पूरे एग्रीकल्चर लैंड की, जितना भी किस खेत है सब सारे खेतों का ड्रोन से मैपिंग हो रही है, समझ रहे हो कि किसकी कितनी जमीन है, किसकी फसल है। जैसे मान लो कि बीमा देना है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आप हम एजेंट हैं और मैं करप्ट आदमी हूँ, मान लो तो मैं किसी का खेत है उसकी फसल खराब हो गई, लेकिन उसकी फसल को खराब ना दिखाकर गुलसाद की फसल को मैंने कह दिया कि आपकी इनकी फसल खराब है और गुलसाद को फायदा मिल गया, तो ये करप्शन हो जाता है। अब ड्रोन से जो मैपिंग होगी तो मालूम हो जाएगा कि किसकी जमीन पर क्या फसल लगी हुई है, सब कुछ मालूम हो जाएगा और उसी हिसाब से आपको मुआवजा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो ये अप्रोच है टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में यूज करना, ये अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है, और इससे देश का जो लीकेजेस है, जिस लीकेजेस से हमारा जो डिमांड है वो असर पड़ता है, डिमांड घटता है, ठीक है। और जितना ही इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे डिमांड को बढ़ाएगा, और लीकेजेस जैसे टैक्सेशन है वो लीकेजेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये लीकेजेस नहीं होने चाहिए। जिसको हम जिसे गरीब को हमको पैसा देना है, तो गरीब को जब पैसा दोगे तो वो तुरंत एक्सपेंडिचर करेगा, उसको खर्च करेगा खाने पीने पर, तो खाने पीने पर खर्च करेगा तो देश में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी। एम राइट रॉन्ग? अरे सो गए? अरे यस सर, बाकी सब सो गए क्या? अरे समझ में नहीं आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है। हाँ बेटा, तो बोल दिया करो। बाकी बच्चे सोलंकी देखो, रेगुलर क्लास में आओगे तभी मेरी क्लास में मजा आएगा बेटा, क्योंकि चीजें बहुत लिंक होती हैं। अब इसमें मैं आपको नेशनल इनकम मेजरमेंट की बात कर दिया, इसमें आपको इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ाते पढ़ाते किया कि नहीं किया सजीत? टेल मी। यस सर, हाँ, तो आपको बिल्कुल एक एक शब्द को पकड़ने की जरूरत है। चलो आगे पढ़ो बेटा, सोलंकी है क्लास में तो सोलंकी पढ़ेंगे, सूरज सुजल क्लास में है, यस सर। आप पढ़ो बेटा, आप लोग पढ़ा करो। इफेक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लोड ये डाउन इन लास्ट, इंडिया। सुनो सुनो, 1 मिनट, दिस इज लास्ट स्लाइड, इसके बाद आपका टाइम भी हो गया ना बेटा? जी सर। हाँ, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम 2 बजे मिलेंगे। चलिए पढ़ लो बेटा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लोड डाउन इंडिया ड्यूरिंग द परफॉर्म पीरियड रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड, डिमांड फॉर आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिक्रीज ड्यू टू द अराइवल ऑफ फॉरेन गुड्स। आर मार्केट्स आर ओपन फॉर फॉरेन गुड्स, हाउएवर द डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट ओपन देयर मार्केट फॉर आर गुड्स। रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑल्सो अफेक्टेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसमें क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लोड डाउन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। अब बताओ, जिस इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं वही इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट डाउन हो गया, आर गेटिंग पॉइंट? तो इज इट गुड टू हैव इट? ये नहीं। इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण ये रहा होगा कि भारत से विदेशों से जो चीजें हम इंपोर्ट करने लगे, तो जो डोमेस्टिक डिमांड, अभी पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा कि डोमेस्टिक डिमांड वो कम हो गया, तो डोमेस्टिक डिमांड कम क्यों नहीं होगा? बाहर से जब क्वालिटी आ रहा है, बाहर के चीजों को हम परचेज करेंगे तो देश की स्थिति खराब होगी ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो कम हो गया, स्लो डाउन हो गया। लेकिन फिर जैसे ही इन्होंने पिकअप किया, कंपटीशन हुआ सर्वाइव करने के लिए, उसमें मर्जर हुआ, टेक ओवर हुआ कंट्री का, तो
तो एक दूसरे से जब टाइप हुआ है ना, जैसे हीरो की कंपनी थी हमारा, हीरो होंडा हो गया, बीच में आ गया, फिर हीरो ने अपने टेक्नोलॉजी को उनके साथ टाइप करके उस टेक्नोलॉजी को ले लिया, अब फिर हीरो अलग हो गया, अब इनको लगा कि नहीं हम तो अलग सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह मारुति प्लस सुजुकी हो गया, मारुति सुजुकी है ना, कोलेबरेशन में आ गए। इसको तो एक कॉम्पिटिशन से एक मतलब कंपनियों के अंदर भी एक फीलिंग आई, अरे हम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। जैसे आज बच्चों के अंदर ये अभी क्लास जो बंक करते हैं, नहीं आते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग नहीं आ रही है। जब एग्जाम आएगा तो वो फीलिंग आएगी, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी, मतलब रोना पड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में फेल होंगे तो समझ आएगा, जब बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में 32 नंबर आते हैं तो हमारे पास बच्चे आते हैं, इस बार बच्चे बहुत आए कि सर 32 आया 33 आया, इतना कम किया, दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा आ गया। मतलब कि जैसा मेहनत करोगे वैसा ही मार्क्स आएगा ना। इकोनॉमिक्स को तुम हिस्ट्री बना के रखोगे, इकोनॉमिक्स को तुम हिंदी बना के रखोगे तो ऐसा ही होगा बेटा, आपको एफर्ट ज्यादा करना है। आई एम राइट रॉन्ग, बोलो भाई आप ही बताओ। यस सर, आपको सब्जेक्ट के अनुसार आपको मेहनत करना पड़ेगा। आवर मार्केट्स आर ओपन फॉर फॉरेन गुड्स, हाउएवर द डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट ओपन देयर मार्केट्स फॉर आवर गुड्स। अब ये एक विपरीत परिस्थितियां हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस नहीं थी, हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट नहीं था। तो कौन आपके प्रोडक्ट को घटिया माल आप लोगे क्या, बताओ जरा। हाँ, जब आपको मर्सिडीज बेंज मिल रही हो तो आप खटारा ब्रांड कार लोगे क्या, कोई आउटडेटेड एम्बेसडर लोगे। चलो एम्बेसडर का नाम ले लिया, वैसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मान लो एम्बेसडर अब तो बनना भी बंद हो गया, तो एम्बेसडर आप लोगे क्या, बताओ जरा। तो आपको मर्सिडीज बेंज मिल रही हो मतलब क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो आप क्यों लोगे भाई, समझ में आ रही मेरी बात। हाँ, जब केबी में एडमिशन हो रहा है तो म्यूनसिपलिटी के स्कूल में एडमिशन लोगे क्या, सिंपल सी बात सोचो। तो रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑल्सो अफेक्टेड इंडस्ट्री को, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर कम होने की वजह से ये हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुका। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। गाँव का किसान अगर आज शहरों से जुड़ा है, रिंग रोड के माध्यम से जुड़ा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, उन्होंने गाँव को, हमारे गांव में रिंग रोड बना हुआ। मैं जब पढ़ाता हूँ आपको तो मैं सारे अपने गांव और आसपास के गांवों को देखता हूँ, शहरों को देखता हूँ, जो अपनी यात्राएं करता हूँ उसको मैं समझता हूँ। तो जो रिंग रोड बना हुआ, अब गांव से जो है ट्रैक्टर में सामान लोड हुआ, परवल हमारे यहाँ बहुत होता है तो परवल के प्रोडक्शन हुआ, गोभी बहुत होता है तो गोभी का हुआ, और वो वहां से किसान अपने अपने एक ट्रैक्टर कर लिया, गाँव का कोई ट्रैक्टर है उसको कर लिया, और 10 किसान मिल गए, किसी को 4 सैक हो रहा है, किसी को 10 सैक निकल रहा है बोरे में परवल, और उसको लाद दिया, सबके अपने प्रॉफिट हो गए। एक आदमी चला गया गांव का बेचने के लिए और सबको जो भी प्रॉफिट हुआ उसको शेयर कर लिया। तो इस तरीके से ग्रोथ होता है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसको कैसे होगा, टमाटर हो रहा है मान लो, और टमाटर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। तो इस बार हमारे यहाँ के जो सांसद थे, अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं वो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा दिया। अब वहां पर हमारे टमाटर होगा तो टमाटर से टमाटर केचप बन जाएगा भाई। गांव के किसान का टमाटर सड़ेगा नहीं, जो सड़ जाता है तो उसको 20 रुपए की जो लागत है वो पता चला कि 2 रुपए बेचना पड़ता है, वो खेत में ही सड़ जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो लौकी तौरी यहाँ पर 40 रुपए किलो खाते हो ना, हमारे यहाँ जानवरों को हमने खिलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलते किसान को, ये स्थिति हो जाती है। तो अब वेयर हाउसेज जब गवर्नमेंट बना रही है, स्टोरेज हाउसेज बना रही है, तो पंजाब में अब वो अडानी बनाए चाहे अंबानी बनाए, अरे बना तो कोई रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बोलो भाई, की रोटी जो है वो तो क्या कहते हैं, 5 स्टार की खाओगे तभी रोटी खाओगे, माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। ना ना, रोटी तो रोटी है, खाओ मजे से ले खाओ, और बस क्वालिटी देख लो, क्वालिटी ठीक नहीं है तो दूसरे ऑप्शन में जाओ। आर गेट योर माइंड? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो हम लोग 2 बजे मिलते हैं बेटा, ठीक है, 2 बजे मिलेंगे ना।